जीवन में अगर किसी भी टाइप की कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो बिल्कुल यहाँ पे आइए, आपको जरूर अच्छा लगेगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो ना हो, लेकिन कुछ समय का आपको सुकून जरूर मिलेगा। आप डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। और आज का ये ब्लॉग ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है इस बात का पता तो अब तक आपको लग ही चुका होगा थंबनेल देखकर, क्योंकि हम जा रहे हैं आप कैंची धाम यानी नीम करौली बाबा के आश्रम, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में है। और अभी यहाँ पर शाम के 5 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन है वो है रात को 11 बजे से, यानी रात को 11 बजे से हमारी ट्रेन होगी और हमको छोड़ेगी वो काठगोदाम में। और काठगोदाम से भी 45 किलोमीटर दूर हमको जाना होगा कैंची धाम में, वहाँ से हम लेंगे बस। और अभी ये यात्रा हमारी कैसी होती है ये तो आप आगे देखते हैं, और आप भी बने रहिए मेरे साथ इस यात्रा में और नीम करौली बाबा के दर्शन कीजिए मेरे साथ आश्रम में घूमते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग और घुमाने लेके चलते हैं आपको कैंची धाम में। तो गाइस हम यहाँ पर हो चुके हैं अब तैयार, और यहाँ पर टाइम हो रहा रात के 10, रात के भी यहाँ पर 10 बज रहे हैं और हमारी जो ट्रेन है वो है 11:30 बजे से, और यहाँ से रेलवे स्टेशन की दूरी है 7 किलोमीटर, वो भी हमको अभी तय करनी है, इसलिए यहाँ से अब जल्दी निकलते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऑनलाइन टिकट नहीं है पहले से करा रखी, हमको वहाँ पर जाके ऑफलाइन टिकट खरीदनी होगी, इसलिए अब यहाँ पर ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते अपना और सीधे निकलते हैं यहाँ से रेलवे स्टेशन की ओर। और गाइस फाइनली हम यहाँ रेलवे स्टेशन पे पहुँच चुके हैं, ये मेरे पीछे आप रेलवे स्टेशन देख सकते हो, और हमने यहाँ पर टिकट भी ले ली है, ये हमको यहाँ पर जनरल की टिकट मिल चुकी है। और अब सीधे यहाँ से चलते हैं यार प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर, जहाँ पर ट्रेन हमारा वेट कर रही है। तो यार हम फाइनली पहुँच चुके हैं अपनी ट्रेन के पास, ये हमारी ट्रेन और यहाँ से बैठते हैं। अभी तो टाइम 10 बज रहे हैं और 11:30 बजे की ट्रेन है, अभी तब तक यहाँ पर वेट करना पड़ेगा 1 घंटा, और इसलिए जल्दी आया मैं क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा टाइम पे सीट मिल जाए तो अच्छा रहेगा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा जल्दी आना पड़ा और जल्दी यहाँ पर बैठते हैं। और अब बैठ चुका हूँ मैं अपनी सीट पर, हॉट सीट पर, और मेरी सीट है वो ऊपर है मतलब दूसरी मंजिल पर है ऊपर, और यहाँ पर काफ़ी गर्म लग रहा है ऊपर। और वैसे जनरल में सीट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, और बड़ी मुश्किल से मेरे को सीट मिली है, थोड़ा जल्दी आ गया था इसलिए मैं जल्दी आया। सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। पर फाइनली पहुंच चुके हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ पर अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30, यानी हमको 7 घंटा लगा देहरादून से और यहाँ पर आने में। और अब यहाँ से चलते हैं यार नीम करौली आश्रम, यहाँ से बस पकड़ते हैं क्योंकि यहाँ से आगे का स्वास्थ्य हमारा होगा वो बस से होगा, और यहाँ से अभी दूरी है 45 किलोमीटर के आसपास, जो कि हमको अभी बस से तय करनी होगी। और अभी यहाँ पर देखते हैं कहाँ पे मिलती है बस, क्योंकि मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ, मुझे पता नहीं, अब बस का पता करते हैं और सीधे चलते हैं यहाँ से नीम करौली आश्रम की ओर, क्योंकि मौसम भी यहाँ पर थोड़ा आज बारिश का लग रहा है मेरे को, थोड़ा जल्दी जाना होगा यार। से 200 मीटर चलने के बाद हमको यहाँ पर बस स्टैंड मिला है, और यहाँ से लेते हैं कैंची धाम वाली बस, यानी अलवड़ा वाली जाती है जो बस, उसमें जाना होगा हमको और सीधे निकलते हैं यार। पता करते हैं पहले बस का है कोई बस। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड। तो गाइस अब फाइनली पहुंच चुके हैं हम बाबा नीम करौली के धाम कैंची धाम में, ये तक तो मेरे पीछे आप ये नीम करौली बाबा का आश्रम कैंची धाम, और यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है आज मेरे को, काफ़ी लंबे सफ़र के बाद यहाँ पर पहुँच चुके फाइनली।
तो गाइस आप यहाँ का बहुत ही सुंदर नज़ारा देख सकते हो यार, कसम से क्या नज़ारा है ये नज़ारा देख के ना भाई, कसम से दिल है गदगद हो गया मेरा आज, कसम से ये नज़ारा देख के। आप भी अपनी ज़िंदगी में एक बार जरूर आए यहाँ नीम करोली बाबा के आश्रम में और यहाँ पर इनका आशीर्वाद में मज़ा आएगा कसम से आज यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर बाबा जी का प्रसाद ले लिया है, ये रहा बाबा जी का प्रसाद। अब चलते हैं यहाँ से मंदिर में दर्शन करने के लिए। मेन गेट पर यहाँ पर मेरे पीछे दिखता है मेन गेट है और यहाँ से अब फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है, इसलिए अब कैमरे को अपने बैग में रखना पड़ेगा और यहाँ से चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि मंदिर परिसर में मोबाइल का प्रयोग ना करें। मैं यहाँ से बाहर और यहाँ अंदर हम कम से कम आधा घंटा रहा मैं अंदर और यहाँ पर टाइम हो चुका है 10:30 बज चुकी और यहाँ पर काफ़ी अच्छा अनुभव रहा यार अंदर, कसम से काफ़ी अच्छी शांति थी अंदर, मज़ा आएगा यहाँ पर। और भाई कहाँ से हुआ भाई? रेवाड़ी से। रेवाड़ी ये कहाँ हुआ? अच्छा कैसा लगा यहाँ पर आगे? बहुत अच्छा, अच्छा लगा ना बाबा जी के दर्शन, धन्य हो गए, धन्य सब आज सच में धन्य हो गया यार आज, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। आपका YouTube चैनल बताओ, हम सब्सक्राइब करेंगे। अच्छा लगा मिल के यार भाई, आपको भी। और यहाँ मैं रोड किनारे बस का इंतजार कर रहा था काठगोदाम जाने के लिए और हमको यहाँ पर हमारे कुछ भाई लोग मिले जो कि मंदिर में बाबा के दर्शन करने आए थे। भाई कहाँ से हो आप? बैतूल है भाई, मैं हूँ आगरा, आगरा से। अच्छा आगरा के, आप मुझे आगरा भी जाने हैं ताजमहल देखने। अच्छा आओ, बिल्कुल बैतूल MP मध्य प्रदेश। और कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा भाई, बड़े दिनों से इच्छा थी आने की, साल भर बाद हुआ, पूरी तबीयत खुश हो जाती है, माइंड अगर स्ट्रेस में हो ना तो यहाँ पे आओ। ये बात तो यार कसम से जब मैं अंदर गया ना तो मुझे एक अलग ही तरह की शांति, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा मिलती है यहाँ पर। अगर आप आओगे ना घर से तो मुंह लटका के आओगे ऐसा, तमाम टेंशन यहाँ आके एकदम जैसे फूल नहीं खिल जाता उसी तरीके से। यही है बाबा का चमत्कार। तो जो लोग भाई वीडियो देख रहे हैं इनको आप कुछ कहना चाहते हो कि यहाँ पर आए हैं? भाई को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। जीवन में अगर किसी भी टाइप की कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो बिल्कुल यहाँ पे आइए, आपको जरूर अच्छा लगेगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो ना हो लेकिन कुछ समय का आपको सुकून जरूर मिलेगा, आपको प्रॉब्लम भूल जाओगे, आपको प्रॉब्लम भी भूल जाओगे। इस टाइप की यहाँ पे पॉजिटिव आई, अच्छा लगा भाई आपको मिल गया। और गाइस यही सीधे मंदिर के इस साइड में यहाँ पर रोड किनारे होम स्टे रेस्टोरेंट और दुकानें लगी हुई हैं जहाँ से आप अपनी मनमर्जी का कोई भी सामान खरीद सकते हो, होम स्टे में आप ठहर सकते हो, जहाँ यहाँ पर ठहरने के लिए आते हो और यहाँ पर ब्रेकफास्ट लंच डिनर आदि रेस्टोरेंट में कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं इधर इस साइड, इस साइड आगे भी साइड बहुत सारे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं जहाँ पर आप अपना खाना खुना खा सकते हो और यहीं से आप नज़ारा देख सकते हो बाबा कैची धाम का, नीम करौली का एक सामने, क्या खूबसूरत नज़ारा आया था तुमसे। मेरा तो यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है यहीं पे बैठा रहूँ और देखता रहूँ बस, क्या नज़ारा है कसम से, ये नज़ारा देख के ना मज़ा आ गया नज़ारा देख के। तो चलते हैं यार घर की ओर, यहाँ पर मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ रोड पर। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ मंदिर की, यहाँ पर कोई भी प्रसाद आदि नहीं चढ़ता, मंदिर में कोई भी प्रसाद नहीं चढ़ता और ना ही वहाँ पर धूप और दिए आदि जला जाते हैं। ये बात मेरे को थोड़ा अजीब मतलब अच्छी लगी, काफ़ी अलग से लगा मेरे को क्योंकि मैं बहुत जगह गया हूँ पर ऐसे कहीं नहीं होता, यहाँ पर ना आप प्रसाद चढ़ा सकते हो अंदर और ना ही वहाँ पर धूप दिया आदि को जला सकते हो, थोड़ा अलग है यार। खैर जो भी है अच्छा है। और इसी के साथ ये ब्लॉग को करते हैं ख़त्म क्योंकि ब्लॉग हो रहा है काफ़ी लंबा और मैं नहीं चाहता कि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो, बोरिंग हो और यहाँ पर टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसे निकलते हैं यहाँ से, बस का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, बस मैं यहाँ पर कुछ देर में आने वाली यहाँ पर मेरी। और इसके साथ ही यहाँ पर ब्लॉग ख़त्म करते हैं और विदा लेते हैं आपसे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और एक बार बाबा जी के दर्शन करने जरूर आएँ यार, जब भी आपको मौका मिलता है तो एक बार जरूर दर्शन करें बाबा जी के। और गाइस यही मंदिर के सामने यहाँ रोड किनारे काफ़ी सारी दुकानें लगी हैं जहाँ पर कि आपको खाने की सामग्रियाँ मिल सकती हैं, पूजा की सामग्रियाँ आदि आप यहाँ पर सब कुछ ले सकते हो, यहाँ पर काफ़ी अच्छे रेट में यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं।
ये काफ़ी सारे होटल खुल रखे यहाँ पे, होम स्टे खुल रखे यहाँ पर, रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप अच्छी तरीके से खाना खा सकते हो अच्छे दाम पर, और सीधे यहाँ से बाबा का दर्शन कर सकते हो, बाबा जी के दर्शन मतलब। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए। Never miss an update.